ग्वालियर से हैं पूरन सिंह जी, स्वागत है आपका। उम्र सवाल बार बार पेश हो आपकी। कितनी है? 65 साल। ठीक है जी। देखिए, एक ये भी रोग बड़ी उम्र के लोगों को होता है कि पेशाब बहुत आता है, बार बार जाना पड़ता है, नींद पूरी नहीं होती, नींद आती है एकदम पेशाब आ जाता है। लेकिन इस रोग को भी एकदम टांका सा लगा देता है एक नुस्खा, जो मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ तो बड़े अच्छे फीडबैक आते हैं। तो देखें, ये अलसी सब जानते हैं, अलसी एक ले लें कोई 100 ग्राम अलसी, और 100 ग्राम अलसी लें और हल्का सा भून कर पाउडर बना लें। और एक आती है लाजवंती, लाजवंती भी बारीक बारीक बीज होते हैं जिन्हें पानी में डालो तो पानी को ही पी जाते हैं वो। तो 100 ग्राम लाजवंती, 100 ग्राम अलसी, इनको पाउडर बनाकर रख लें। और एक आता है गौंद चिलगोजा, चिलगोजे का गौंद, ये असली लेना, ये नकली भी मिलने लगा है। एक चुटकी में जितना गौंद चिलगोजा है लें और एक गिलास पानी या दूध में डाल दें, गर्म होना चाहिए दूध या पानी। और एक चम्मच जो अलसी और लाजवंती का पाउडर है ये भी इसमें डाल दें और मिला दें। शुगर नहीं हो तो शक्कर वगैरह मिलाकर इसको आप रोज़ाना कम से कम एक बार, ज़्यादा ज़्यादा 2 बार पी लिया करें। एकदम टाका सा लग जाता है, किसी को ये बार बार पेशाब आता हो, किसी को धातु आती हो, किसी का ब्लैडर कमज़ोर हो, किसी को और कोई ऐसी प्रॉब्लम हो, जैसे महिलाओं को वाइट डिस्चार्ज हो या ताकत की कमी हो मर्दों को, ये उन रोगों में बड़ा अच्छा काम करता है। पंजाब से हैं अमृत कौर जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार मैम। केस साहब ना गल करनी है जी। मैं जी, मैं हाजिर हूँ, बताइए क्या गल करनी है आपको। मेरे जी ना इधर टूई की प्रॉब्लम थी, आई गोड्या जी जी, ऐसे डाउन सीजा ले रहे हैं जी इथों ही। फर्क है जी, पहले ना थोड़ा जा थोड़ा फर्क है जी, 2 महीने हो गए जी सानू खांदिया नु। ठीक है ठीक है, और कोई सवाल? हां, एक ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਬਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਪੇਟ ਨੂੰ ਫਾਰਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਦੇਖੀਏ ਫਾਇਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਗਵਾਨ ਕਾ ਬੜਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੈਲਦੀ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਜ਼ਨ ਕੇ ਲੀਏ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਂ ਕਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਵੀ ਲੈਂ ਤਾਂ ਔਰ ਜਲਦੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਵਜ਼ਨ ਕਮ ਹੋ। मेरी जो छवि है पंजाब और पंजाबन नौ से कि वो हेल्दी खूब होते ज़्यादातर लोग, तो वज़न अपने कद के अनुसार कर ले। और पेट में अगर वो है परेशानी तो बहुत आसान नुस्खा है, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी का दाना, 6 चीज़ें हैं आपके किचन में ही हैं, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया और मेथी का दाना, इनको 100-100 ग्राम लेकर और पाउडर बना के रख लें, एक चूर्ण बना के रख लें। एक चुटकी में जितना खाने का सोडा आए, अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो एक चुटकी खाने का सोडा पानी मिलाएं और एक चुटकी नमक जैतून असली मिलाएं और इस पानी से ये एक चम्मच 6 चीज़ों का पाउडर खा लिया करें। वज़न ठीक है आपका तब भी खा सकते हैं, इससे खून पतला होता है, हमारी आपकी उम्र वालों का खून पतला होना चाहिए। तो इस पानी से ये नुस्खा आप 6 चीज़ों का खाया करें दिन में एक बार या 2 बार, तो आपकी पेट की समस्या, एसिडिटी की समस्या, कब्ज़ की, बवासीर की, लीवर की, स्किन की, वर्म की, ये सारी समस्याओं का हल होना मुमकिन है।